हो जाएगी नहा भी नहीं पाई है, लेकिन सब यहाँ पे पाउडर क्रीम सब लगा हुआ है गाइस। और आप लोग कमेंट करके बताएं, जब ये यहाँ पे नहीं रहती है तो मैं इस रूम में आता भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं आते हैं, क्यों नहीं आती है बताइए? इसलिए नहीं आते कि अकेले अच्छा नहीं लगता। इनको हर एक खाने में नमक जरूर चाहिए, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा चटकार, ये सब जरूर चाहिए। आप लोग अगर कभी ट्राई नहीं किए तो प्लीज ट्राई जरूर करिएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज ससुराल में मेरा दूसरा दिन है और अभी सुबह सुबह सो के उठे, चाय पानी किया, फिर छत पे गए थे टहलने। तो और टहलते टहलते आए अभी दूसरे वाले रूम में बैठे, अपने देवर जी के रूम में। तो अभी चाय पानी तो हो ही गया है, तो थोड़ी देर में चलेंगे नीचे नाश्ता पानी करने। तो उससे पहले मैं आज बता देती हूँ, आज रूम की सफाई करनी है और बहुत सारा काम करना है। तो चलिए पहले फटाफट कुछ खाना पीना हो जाए, फिर उसके बाद काम में लग जाते हैं और आपसे दिन भर थोड़ी थोड़ी देर पे मिलते रहेंगे। ये क्या है, कपड़ा है कि मच्छरदानी है? कपड़ा है यार, ये मच्छरदानी की तरह लग रहा है आपको? बिल्कुल मच्छरदानी की तरह लग रहा है। ओके, गाउन है, कहीं से कपड़ा नहीं लग रहा है। अच्छा, ये मच्छरदानी लग रहा है आपको? बिल्कुल, इतना अच्छा गाउन है मेरा और आपके ना मच्छरदानी। बस करो, चलो खाना खा लो नीचे। अभी तो बस थोड़ा ही हुआ है और सुबह से लगे हुए हैं गाइस हम साफ सफाई में, और इतना गंदा करके रखे हुए हैं कि इसमें इतना धूल मिट्टी है कि ऐसा लग रहा है कि हमको जुखाम भी हो जाएगा। और ऐसे भी हमको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाता है धूल मिट्टी से। तो क्या करें, अभी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। और आप कह रहे हैं खाना खा लो, इसी हालत में चलो 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 नीचे, चलो बंद करो ये सब, खाना खा लो, खा लेना फिर उसके बाद थोड़ा सा और कर लेंगे उसके बाद। करने के बाद रुक जाएंगे 10 मिनट, फिर चलते हैं। चलो फिर मैं वेट करता हूँ, ठीक है, नीचे जाके। okay. और अभी घर में कोई नहीं है और हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, सिर्फ दो लोग हम लोग हैं। शादिया इधर है और इधर मेरी बेबी सोई हुई है और हम लोग खाने के लिए बैठे हुए। क्या क्या खाना में इधर देख सकते हैं आप, दोपहर के खाने में दाल चावल सब्जी रोटी यही ना रहता है। सो का रोटी है, इसीलिए अभी चेहरा इसका सूजा हुआ लग रहा है। इधर सब्जी है, इधर दाल है, इधर चावल है, इधर रोटी है, इधर सलाद है, सिर्फ प्याज की सलाद, इधर चटनी है और इधर नमक। नमक तो जरूरी है मुझे, मैं नमक बहुत नमक खाती है। नमक मत खाया करो, बीपी वैसे मुझे लगता है जिसका बीपी लो रहता है ना वही नमक खाता है ज्यादा। चलो निकाल दो, वैसे मुझे बड़े प्लेट पसंद है, ये वाला प्लेट में मैं खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी शादिया जी ने साफ सफाई के बाद पूरा रूम साफ सफाई कर दिया है और ये सेब खाने बैठ गई है, वो भी जलजीरा के साथ। जलजीरा के साथ। इनको हर एक खाने में नमक जरूर चाहिए, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा चटकार, ये सब जरूर चाहिए। आप लोग अगर कभी ट्राई नहीं किए तो प्लीज ट्राई जरूर करिएगा, जलजीरा के साथ सेब बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, सही तो, हाँ तो सेब नहीं खा, अरे क्या, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, खा के देखिए। मैं तो खाऊंगा ही, मुझे तो खाना ही है। और इधर हमारी बेबी अकेले खेल रही है और मुझे परेशान कर रही है। हाय बोलो बेटा, बोलो हेलो गाइज। ये अलग ही अंदाज में रहती है क्या जी? प्लीज आप खा लीजिए ना, हम बहुत खा ली, बहुत ज्यादा खाना, कब्बे खाते नहीं और खा ले। तो गाइज अभी चलते हैं, आप लोगों को थोड़ी देर में रूम दिखाते हैं, ठीक है? रूम दिखाओगी ना अपना, कैसे साफ सफाई की हो, बाकी कूड़ा कचरा तो तुम फैला के ही गई थी। हम फैला के? बिल्कुल। कितना दिन हो गया हमको यहाँ? गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि जब ये यहाँ पे नहीं रहती है तो मैं इस रूम में आता भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते कि अकेले अच्छा नहीं लगता। क्यों, अब यहीं पे रहेगी ये? बिल्कुल, अब तो हम जाने वाले नहीं है, तो इतना घबरा गए, बोलने जाओ ऐसे बहुत हो रही है, तुम जाओ। मुझे पता है गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ कि 21-22 शादी करके तुरंत भाग जाएगी, इतनी चालाक लड़की है। नहीं, हम भागने वाले नहीं। नहीं भागोगी? नहीं भागेंगे पक्का, अपनी YouTube फैमिली से वादा करो नहीं भागेंगे। बोलो एक साल टिके रहेंगे यहीं पे, एक साल रहोगी ना? क्या जल, क्या बोल रही हो? ये कौन है, ये फ्रेम में कौन है बेटा? तो यार मम्मी है, मेरी वाइफ है, शादिया है। वो तो बोल रही कि मेरी वाइफ है, वो तो ऐजल की मम्मी है, ये बोली है। ऐजल की मम्मी इधर कैमरे पे देख के बोलो हेलो गाइस, उधर बोलो, बोलो मेरी मम्मी है, बता दो सबको मेरी मम्मी है, बता दो। लाइन कट गई क्या? लाइन थी क्या? लाइट थी। अभी बोली है ना कि
एजल की मम्मी है। ये ना बोलिए एजल की मम्मी है। तो गाइज आइए मैं आप सभी को अपना रूम दिखाती हूँ साफ सफाई के बाद किस तरह से दिख रहा है। और पूरा दिन आज मैंने लगा दिया साफ सफाई में, तो आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से मैंने साफ सफाई कर दी है रूम की। तो साफ सफाई के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा रूम। वैसे शादी में अभी 4 दिन टाइम है तो एक बार फिर से सफाई करेंगे। अभी सोफा पे कवर वर नहीं लगाया मैंने, अभी वैसे ही छोड़े। ये बड़ा वाला सोफा पे कवर नहीं लगाया, इस पे कवर लगाना है। और 2 छोटे वाले जो सोफे हैं मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि थोड़ा सा खाली खाली रहता है रूम तो सही रहता है। तो बाकी की साफ सफाई सब हो गई है, जो थोड़ी बहुत साफ सफाई बची है वो 1-2 दिन बाद कर लेंगे। और थकान बहुत ज्यादा हो गई है, अभी इनका कपड़ा भी धुलना है, कपड़ा प्रेस बहुत सारा करना है। आप लोग देखेंगे तो डर जाएंगे, इनको देखिए ये सारे कपड़े प्रेस करने हैं, किस तरह से कपड़े रखे हुए हैं अपना सब प्रेस करना है। तो आज तो ऐसे ही थक गई थी, तो दूसरे दिन इनका कपड़ा प्रेस करेंगे और कुछ कपड़े धुल लें जो मैंने बाहर ले जाकर रख दिया, तो उसको कल धुलेंगे और कपड़ा भी कल या परसों प्रेस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा छत पे टहल के आते हैं। तो गाइस आज इतना ज़्यादा साफ सफाई में वक्त लग गया और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई, और एजल फिर से भाग गई अपनी नानी के घर। वो टिकी नहीं रही है, आ रही है फिर भाग जा रही है। और अभी मैं थोड़ा सा छत पे आई टहलने के लिए, और खाना बनाने का भी तैयारी करना है, तो अभी सोचा छत पे थोड़ा सा टहल लें, एकदम ऊपर वाले छत पे आए। और इधर थाना है, वैसे दिन में दिखाएंगे आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये चौराहा है हम लोग के गांव का, बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। वैसे सुबह के टाइम दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी तो रात हो गया और अभी रात हो गई। और इधर हम लोग का गाँव है पठान टोली, जिसे हम लोग बोलते हैं पठान टोली। तो मस्जिद वगैरह भी दिखता है, वैसे मैं दिखा चुकी हूँ लेकिन फिर दिखा दूँगी आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी शाम हो गया है तो चलते हैं, देखते हैं खाने देख में सकते क्या बनेगा, क्या टाइम हो रहा है। ये अंधेरा हो गया, नहीं दिख रहा है मोबाइल में, सही आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही, अंधेरा हो गया ना, काफी अंधेरा हो गया। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे फटाफट, देखते हैं कि क्या क्या तैयारी करनी है और क्या बन रहा है खाने में। तो चलिए थोड़ा देर टहलेंगे फिर उसके बाद नीचे चले। तो गाइस आज एजल मेरी बहुत जल्दी सो गई है, बहुत पहले सो गई है, बहुत जल्दी नहीं 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं। और अभी हम लोगों के खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि हम लोग हमेशा वैसे तो 10 बजे के बाद खाते हैं, यहाँ पे लेट खाते हैं हम लोग, लेकिन आज सोच रहे कि आज पहले खा लें। और एजल सो गई है तो आज हम लोग भी पहले सो जाएंगे, क्यों खा पी के सो जाएंगे। कल रात में वो पूरी रात सोने ही नहीं दी, इतना ज़्यादा परेशान किए। और आज दिन में मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, इतना धूल मिट्टी का काम किया और नहा भी नहीं पाई, तो सुबह उठ के नहा लेंगे और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है तो जल्दी सो जाएंगे। नहा भी नहीं पाई है, लेकिन सब यहाँ पे पाउडर क्रीम सब लगा हुआ है गाइस। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं तो ऐसे ही जब भी दिल करता है ऐसे ही वीडियो शूट कर लेता हूँ। आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं ना, हम बिना मेकअप के, लड़कियाँ बिना मेकअप की नहीं अच्छी लगती सही बात तो, बिल्कुल सही बोली, दिल की बात बोली। लड़कियाँ जब मेकअप करती हैं तो और भी ज्यादा सुंदर लगती है, वैसे तो लड़कियाँ सुंदर होती है। चलो अभी ज्यादा बात करेंगे तो हमारी बच्ची जग जाएगी तो फिर बहुत ज्यादा देर तक जगाएगी, 2 बजे तक। चलिए फिर फटाफट नीचे चल के खा लेते हैं खाना, चलते खा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से एक और चीज दिखाएंगे इसी रूम में आप लोगों को, बहुत अच्छी चीज। बाय बाय। तो गाइस खाना पीना हो गया और अभी सोने का टाइम हो गया, तो मैं सोच रही थी कि ये जल्दी सो गई तो मैं भी जल्दी ही सो जाऊँ, ताकि आधी रात तक इसका नींद पूरा हो जाएगा तो उठ जाएगी, तो फिर मैं आज भी नहीं सो पाऊँगी। तो अभी सोने का टाइम हो गया, तो सोने से पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मैंने अपने रूम में सब कुछ दिखा दिया। तो ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने नाइट बल्ब लगवाया है रेड कलर का, तो लाइट बंद करने के बाद कैसा दिखता है, तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को। देख सकते हो आप लोग नाइट बल्ब ये रेड वाला लगवाया मैंने, वाइट भी लगवाया है लेकिन वाइट से ज़्यादा उजाला हो जाता है, तो हम लोग रेड वाला लाइट जला के ही सोते हैं, तो बहुत ही हल्का हल्का उजाला रहता है और पूरा रूम रेड रेड दिखता है अच्छा लगता है। तो ये नाइट बल्ब है मेरे रूम का। वैसे तो अंधेरा में सोने की आदत है, लेकिन बच्ची के लिए मैं नाइट बल्ब जला के ही सोती हूँ। एक और बल्ब है ना, उसका क्या नाम है, जो फर्स्ट लाइट है ना, फर्स्ट लाइट है, एक दरवाजे के पास फर्स्ट लाइट है, तो चलिए कभी उसको भी दिखा देंगे, क्योंकि अभी उठने का मन नहीं कर रहा। और मैं सोच रही थी लाइव आ जाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल लाइव आने का मूड नहीं है, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। शादी ब्याह का घर है तो 2-4 दिन बाद लाइव आएंगे। तो गाइज अभी सो जाते हैं और वीडियो को एंड भी कर देते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ नींद लग रही है। और अभी खा पी क्या है, तो इसकी फूफू भी बोली कि भाभी आप सो जाइए, आपकी आंखें चढ़ी चढ़ी लग रही है। तो अभी गाइस सोने का टाइम हो गया,
तो फटाफट वीडियो को एंड कर लेते हैं और आराम करते हैं। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही जल्दी शादी की रस्में स्टार्ट होने वाली है, तो शादी का जो फर्स्ट रस्म है हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आप सभी से कल, नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम।